खबरों में हम बात करते हैं जनपद उन्नाव की, जहां पर ऑल यूपी स्टाफ वेंडर्स एसोसिएशन ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को संबंधित 5 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार हसनगंज को दिया। वहीं आपको बताते चलें कि तहसीलदार नरेंद्र यादव ने बताया कि स्टाफ वेंडरों के द्वारा 5 सूत्रीय ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसे जिला अधिकारी को भेज दिया गया है। वहीं जिला अधिकारी बहुत जल्द उत्तर प्रदेश प्रशासन को भेजेंगे। स्टैम्प बंद नहीं किए गए हैं। 17 दिसंबर को अपर मुख्य सचिव वित्त का एक आदेश जारी हुआ था कि किसी भी उपकोषागार में नगद पैसा लेकर के स्टैम्प नहीं दिया जाएगा। पैसा स्टैम्प का बैंक में सुसंगत चालान द्वारा जमा होगा। जब चालान का सत्यापन हो जाएगा तब स्टैम्प दिया जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि जब उपकोषाधिकारी उपकोषागार में होगा तभी स्टैंप दिया जाएगा। आज तक ब्रिटिश पीरियड से लेकर आज तक कोई भी उपकोषाधिकारी नियुक्त नहीं है। गवर्नमेंट के पास इस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपकोषाधिकारी का चार्ज देखते थे, उन्हीं द्वारा जो है स्टैंप प्राप्त होता था। हम लोग चाहते हैं कि बैंक में पैसा जमा कराएं, लेकिन उपकोषाधिकारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को ही माने और पब्लिक की समस्या, स्टाम्प वेंडर की समस्या खत्म हो चुकी। उन्नाव जाने के लिए रिस्क बहुत है, कैश लेके जाना पड़ेगा उन्नाव। अब यही तो समझ में नहीं आ रहा कि अपर मुख्य सचिव महोदय की हम लोग जैसे पहले मिलता था, हम लोग ये चाहते कि उसी तरीके मिले, लेकिन अब शासन आदेश है तो अधिकारियों के भी यही कहना है कि अब शासन आदेश तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, उन्नाव आने जाने में रिस्क तो ही है भाई, कैश लेके जाओ, कैश लेके आओ, वहाँ से ये दिक्कतें हैं। अच्छा, अब ये तो जिलेवार है कि सब तहसीलों का, वही कि जिले में मिलेगा उन्नाव में, हेड ऑफिस वही हमारा है। अब कल से तो फिलहाल तो बंद ही कर दिया गया, कल मिला नहीं हम लोगों को, निकासी थी कोषागारों से बंद कर दिया, उप कोषागारों बंद कर दिया, अब मेन वही हो गया। हमारे लोगों की यही इच्छा है कि तहसील लेवल पर जो है उप कोषागारी तो है नहीं, तो जैसे ही पहले का तहसीलदार या नए तहसीलदार को एसडीओ मानते थे वैसा ही माने, और हम लोग उनको तहसील से ही मुहैया कराएंगे। हम सोचते हैं कि वैसे पुरानी ही जैसे पर चल रही थी वैसे ही, और जैसे ले पर लेकर रुपया हम जाएंगे तो यहाँ बात होती तो उसकी जिम्मेदारी कौन पूरे महीने में 2 करोड़